Good morning, class 8. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to start with our chapter number 1 of subject English. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1 जो है बेटा आपका, वो एक पोयम है. पोयम का नेम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. और जो इसके पोएट हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का मीनिंग है कि जहाँ जो हमारा माइंड हो वो बिना किसी डर के हो. तो चलिए सबसे पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं. इस पोयम के की पॉइंट्स क्या हैं, इसमें पोएट जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं. दिस पोयम इज़ अ पार्ट ऑफ नोबेल प्राइज़ विनिंग कलेक्शन गीतांजलि. जो ये पोयम है ये गीतांजलि का ही, जो पोयम का एक कलेक्शन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही, उसका एक पार्ट है. रिटन बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. ये इंडिया को अभी जब आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले की लिखी हुई पोयम है. और इस पोयम में जो राइटर है वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या सोच है. द पोयम डिस्क्राइब हिज विजन ऑफ फ्री इंडिया. पोयम जो है वो डिस्क्राइब करती है पोएट का जो विजन है ना, पोएट की जो इमेजिनेशन है एक फ्री इंडिया की, एक स्वतंत्र भारत कैसा हो वो बता रहे हैं वो इस पोयम में. तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. जहाँ पर जो हमारा माइंड हो वो बिना फियर के हो और जो हमारा जो सर हो वो हमेशा ऊंचा रहे गर्व से. ठीक है. वेयर नॉलेज इज़ फ्री. जहाँ पर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो बिल्कुल मुफ्त हो, फ्री हो. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े. उनका ये सोच, वो उनकी जो इमेजिनेशन है कि हमारा भारत कैसा हो, कि हमारा जो संसार है जो वो टुकड़ों में बटा हुआ ना हो. वो टुकड़े चाहे किसी भी उसके हों, चाहे रिलीजन के बेसिस पर हों, चाहे कास्ट के बेसिस पर हों, कैसे भी हों, कि छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा संसार जो है वो बटा हुआ ना हो. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल. चाहे घरों में भी दीवारें होती हैं जैसे या जैसे भी हैं, किसी भी तरह की कोई भी दीवार ना हो कहीं पर भी. वेयर वॉच कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. सच की गहराइयों से जो शब्द हैं वो निकलें. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन. और जहाँ पर टायरलेस स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का मतलब होता है ट्राइंग हार्ड, जो हमारा परिश्रम है वो हमें कहाँ ले जाए, परफेक्शन की तरफ ले जाए. बेटे आज की वीडियो में आपको इतनी ही मैं पोयम आपको मैं समझा पा रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो में बाकी की पोयम मैं आपको समझाऊंगी. अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा. थैंक यू.